अधिकारियों की ओर से लगातार सेवा कार्य जारी है। इसी कड़ी में जनपद न्यायाधीश में राहत सामग्री वाहन को हरी झंडी दिखाई है, साथ ही सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की है। एक तरफ समाज सेवी लोग गरीब और जरूरतमंदों के हर दुख दर्द में बराबर की भागीदारी कर रहे हैं, तो वहीं विधिक सेवा के अधिकारी भी पीछे नहीं हैं। लगातार विधिक सेवा के अधिकारी गरीब और जरूरतमंदों को राशन का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश टीपी तिवारी ने अपने आवास से राहत सामग्री वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद नगर के आगरा रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जनपद न्यायाधीश टीपी तिवारी, एडीजे शक्ति सिंह, सिविल जज अमित मिश्रा, एआरटीओ राजेश कर्दम, बीएसएफ विजय प्रताप, पैराडाइज स्कूल के प्रबंधक सीपी पांडे और आराधना गुप्ता ने करीब एक सैकड़ा से अधिक लोगों को राहत सामग्री, राशन आदि का वितरण किया है। लगातार विधिक सेवा के अधिकारियों की ओर से भी हर दिन गरीब और जरूरतमंदों को राशन आदि का वितरण किया जा रहा है। आज इस जगह हम कितने लोगों को न्यायाधीश अधिकारियों के साथ जो राशन वितरण का कार्य किया? देखिए, इस समय जो है पूरे विश्व में जो मानवता के ऊपर अनावश्यक संकट आ पड़ा है, तो हमारी ये बेसिक जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो जिला प्रशासन में और हमारे जितने भी न्यायाधीश महोदय हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज जिला जज साहब के द्वारा और जो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा यहाँ पर 70 लोगों का खाद्यान्न वितरण किया है जरूरतमंद लोगों को। हमारा जो बेसिक उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है, हम लोग चाहते हैं सभी लोग मिलकर इस महामारी से लड़ने का प्रयत्न करें, और जब हम लोग एक साथ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी सेवा से हो, चाहे वो जिला प्रशासन से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे न्यायाधीश महोदय हो, कोई भी हो, सब पूरे जिला प्रशासन एक टीम भावना की वजह से काम करेंगे, तो हम इसको जरूर हरा पाएंगे। और साथ ही साथ उद्देश्य ये भी है कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति शहर में भूखा ना सोए, भूखा ना रह सके, उसी उद्देश्य को हम जो है जो भी जितने भी जरूरतमंद लोग होते हैं वहाँ जा जाके हम आज लगभग 70 लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया। वहीं सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि सरकार की मदद के साथ वेतन से, अपने वेतन से भी अंशदान करके आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सभी लोगों को जो भी जरूरतमंद हैं उन लोगों को हम खाद्यान्न वितरण करा रहे हैं। साथ ही साथ मेरे द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक प्रचार वाहन का चलाया जा रहा है, और उस प्रचार वाहन के साथ में हम सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव दे रहे हैं, और पीपी किट भी हम लोगों ने डॉक्टर्स को भी दिए है, और एक पीपी किट हम लोगों ने जो सैनिटाइज कर रहे हैं उन लोगों को, और जो खासकर वह लोग जो क्वारंटाइन होम है या ईपीआई सेंटर बनाया गया, कोई और हमारे जो द्वारा हैं हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके सभी सफाई कर्मियों को हम वो पीपी किट भी दे रहे हैं कि जिससे कि उनके द्वारा भी संक्रमण ना फैले। तो हमारा उद्देश्य यही कि हमारा शहर जनपद मैनपुरी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और आप लोगों से भी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि स्टे होम, स्टे सेफ, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यक कार्य हो तो ही निकलें, अनावश्यक कार्यों पर बाहर ना निकलें। अनावश्यक कार्य पर निकलने पर जिला प्रशासन और पुलिस और परिवहन तीनों ही मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। उद्देश्य खाली वही है कि सब लोग सुरक्षित रहें, ये मानवता का जो संकट आया इसको हम किसी भी तरीके से लड़के इसको हरा दिया जाए, इसको यहाँ से भारत से भगा दिया जाए। सर, कितने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है? लगभग 50 लोगों को, 50 टोटल 70 लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से खाद्य सामग्री वितरित की गई। सर, क्या अपील की गई है लोगों से? अपील ये की गई है लोगों से कि जो भी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बार बार हाथ धोएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर घर से